सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस के तहत इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर के सत्र में कार्यक्रम में शामिल होंगी। विदाई भाषण के साथ ही मेहमानों को प्रवासी भारतीय अवार्ड भी प्रदान करेगी। ये पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने, भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीय और उनके संगठन और संस्था को दिए जाते हैं। आपको बता दें कि समापन समारोह से पहले राष्ट्रपति मुर्मू सुरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से भेंट मुलाकात भी करेंगी। कार्यक्रम के पहले सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित करेंगे। दूसरे सत्र की मुख्य अतिथि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी। सीतारमण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी महिला उद्यमियों की क्षमता का उपयोग करना विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा भोज का आयोजन किया गया। अंतिम सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों को अवार्ड देने के साथ ही प्रवासियों को संबोधित भी करेंगी। आभार प्रदर्शन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन करेंगी।